हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और फाइनली आज गिरते पड़ते मैं पहुंच चुका हूं द मून लैंड ऑन अर्थ लामायूरो, जो कि लेह से 112 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और कारगिल से 103 किलोमीटर। तो आज के ब्लॉग में हम जानेंगे लामायूरो को मून लैंड क्यों कहते हैं और ये माउंटेंस की शेप ऐसी क्यों हैं। जैसे चांद है वैसे ही चांद के अलावा एक जगह और भी है, लद्दाख में बसा लामायूरो द मून लैंड। ऐसा कहा जाता है 35 से 40 हज़ार साल पहले यहाँ लेक हुआ करती थी और ये जगह पानी के अंदर थी। धीरे धीरे पानी यहाँ से ख़त्म हो गया और जो यहाँ मिट्टी थी उसमें क्रैक्स बन गए और ऐसे फीचर्स बन गए कि ये जगह मून लैंड की तरह दिखने लग गई। यहाँ की कुछ जगह पर की गई फोटोग्राफी लूनर लैंडस्केप की तरह मैच करती है। साइंटिस्ट हों या टूरिस्ट, लद्दाख की ये मोनेस्ट्री सबको अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ हमें चांद पर चलने का एहसास भी करवाती है। और यहीं पर है एक खूबसूरत मोनेस्ट्री जो कि शांति और पीस का हमें संदेश देती है। 11वीं शताब्दी की मोनेस्ट्री है ये। पहले ये मोनेस्ट्री पहले के राजा का आश्रम हुआ करती थी, बाद में इसे मोनेस्ट्री बना दिया गया और बुद्ध संस्कृति का केंद्र बन गई। इस गोम्पा में 150 लामा रहते हैं और हर रोज यहाँ पूजा की जाती है और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है। लामायूरो गोम्पा का सबसे खास अंग मोनालिसा है,
इसमें 8 फीट टॉल बुद्ध का स्टैचू है जो लोगों को ह्यूमैनिटी और समझ का संदेश देती है। और यहाँ पर एक योगा सेंटर भी है जो कि लामा यूरू की मोनेस्ट्री के बैक साइड बाहर के ऊपर है। मोनेस्ट्री जाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ ऊपर टॉप पे, वहाँ से ऊपर का व्यू लेना है और वहाँ से छोड़ेंगे ड्रोन, थोड़ा शॉट लेंगे उसके बाद। तो आगे गाड़ी से जाने का रास्ता भी है बट मुझे पता नहीं था, तो मैंने वहाँ से जो ट्रेल ली वो जो छोटी सी ट्रेल है वो वाली वो ट्रेल ली, क्योंकि रास्ता मुझे दिख नहीं रहा था कहाँ से है। तो ये जो रास्ता है उधर कहीं से पीछे से वो है, उधर से आ रहा है घूम के ऐसे वो दिख रहा है उधर पीछे से रास्ता 2 किलोमीटर पीछे। पहले मेरे को दिखा था वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वहाँ से रास्ता क्रॉस हुआ है रोड से और ऊपर से उधर से ऐसे जाता है रास्ता। तो मुझे पहले पता होता तो मैंने गाड़ी इधर ही अपनी ले आनी थी, क्योंकि गाड़ी से पहाड़ के टॉप पे जाने का मतलब एक अपना अलग ही मज़ा है। अब जैसे ही मान के चलो ये चोटी है, यहाँ पर ऊपर कुछ भी ना हो और रास्ता जाता हो, जैसे एक वो ट्रेल जा रही हो, वो सामने जो दिख रही है वो इधर ऊपर टॉप टॉप पे जा रहे हैं, ऊपर फ्लैग है। तो मुझे ये चीज़ें करने का बड़ा शौक है, कई सारे ट्रैक भी किए हैं मैंने बट अभी 4-5 महीने से मैं बीमार हो गया था, लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं कहीं किसी ट्रैक पर जा नहीं पाया। उसके बाद फिर मैंने केवल एक ही ट्रैक किया, विंटर ट्रैक दयारा बुग्याल, तो वो करके आया था मैं, उत्तराखंड गया था 15 दिन का टूर प्लान करके। तो ये नेचर वाली चीज़ें ट्रैक करने का, पहाड़ों में रहने का मुझे बड़ा शौक है, पहाड़ों में कैंप लगा के रहना, खाना पीना बनाना, मैं कभी भी ऐसी चीज़ों से बोर नहीं होता, ऐसी चीज़ें करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन मुझे सोलो ही जाना पड़ता है क्योंकि मेरा टूर होता है कम से कम 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, तो कोई भी फ्रेंड मेरे साथ जाने के लिए एग्री नहीं होता। तो वो जो गाड़ी का रास्ता है वो यहाँ तक आता है, यहाँ गाड़ी पार्क करो, यहाँ से फिर ऊपर ऊपर मेडिटेशन सेंटर हुआ करता था, मैंने नीचे पूछा था, और यहाँ से ये लामा यूरू मोनेस्ट्री का व्यू देखो, चेक करो। वो रोड भी आती है उधर कहीं पीछे से, या फिर ऊपर जाती है कि नीचे जाती है कुछ पता नहीं, बट इस साइड का व्यू चेक करो, दिखाता हूँ मैं थोड़ा
हे गाइस, तो फाइनली मैं हूँ लामायुरु के टॉप पे और लामायुरु विलेज की जो ऊंची पहाड़ी है, एक्चुअली मैं ये जो दिख रहा है ये मेडिटेशन सेंटर हुआ करता था पहले। वो जो दिख रही है जगह, वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर था, लोग मेडिटेशन किया करते थे लामा वगैरह। और वो जो गांव घर के पीछे जो दिख रही है वो चौकी है, और ये पूरा एरिया लेह के अंडर में आता है लामायुरु। तो इस तरीके का है लामायुरु मूल लैंड, लामायुरु द मूल लैंड। आई डू इट, मैंने कर लिया। लामायुरु विलेज जो कुछ था आपने देख लिया, मोनेस्ट्री है मेन, तो बाकी ये साइड जो लैंड आप देख रहे हैं ये मून की तरह दिखती है सब साइड, तो इसलिए इसका दूसरा नाम मून लैंड है, लामायुरु द मून लैंड। और ये जगह बहुत फेमस है, यहाँ अगर टॉप से 360 व्यू को आप देखते हैं बहुत ही प्यारा व्यू आता है। तो फाइनली अब टाइम है एक ड्रोन शॉट का, तो यहाँ तो काफ़ी तेज हवा चल रही है, थोड़ा नीचे जाऊँगा भी हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से ले के लिए, और अब जो नेक्स्ट स्टॉप जो होगा हमारा वो ले में होगा, तो लेट्स गो। सो हे गाइस, फाइनली मैं निकल रहा हूँ ले के लिए, और प्लीज़ अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो के लिए कमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।